हाँ, यजुर्वेद अध्याय 33 सूक्त तृतीय नवम मंत्र। ओम अग्नि वृत्तानि जघनत जनघनत द्रविणस्यु विपन्यया समिद्ध शुक्र आहुतः। मंत्रात समिद्र सम्यक प्रकाशवान, शुक्र पवित्र, आहुत आह्वान किए दान किए हुए, द्रविणस्यु प्रवाहकामी, अग्नि अग्रणी प्रगतिशील ने वृत्तानि हिंसकों को विपन्यया विशेष अर्चना से जंगनत हनन किया। भावार्थ, अग्नि अर्थात अग्रणी परमात्मा अथवा उपासक ने आह्वान करने पर वृत्तों का हनन किया, मार दिया। ऐसा विशेष अर्चना से संभव हो सका। वृत्त का अर्थ क्या है जिनको मारना पड़ा? वृत्त धातु का एक अर्थ हिंसा करना भी है। वृत्त हिंसक स्वभाव तथा हिंसक जन है जिनका हनन करना आवश्यक हो जाता है। निरुक्त समिद सम उपसर्ग इद इदि इंद प्रदीप्त होना प्रकाशित होना। शुक्र में शुक धातु का अर्थ जाना, क्लास लग रही है शुच अभी का तो अर्थ क्या? शुद्धि करना, शुद्ध होना, पवित्र होना। आहुत में आ उपसर्ग, हुकार दान करना, आदान प्रदान करना, वे का अर्थ आह्वान करना। द्रविणस्यु में द्रु का अर्थ द्रवित होना, गति करना। अग्नि में अग का अर्थ गति करना। वृत्तानि में व्रत का अर्थ हिंसा करना, वर्तना, वर्तमान होना, वरण करना, सेवा करना, चमकना, बोलना। विपन्यया वी उपसर्ग, पन का अर्थ प्रशंसा करना, स्तुति करना। जंगनत हन हन धातु वध करना, मारना, हिंसा करना। ओम खं ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 9। ओम अग्नि व्रत्राणि जंघनत द्रविणस्यु विपन्यया समिद्धा शुक्र आहुता। अग्नि अग्रणी प्रगतिशील, अग धातु से अग्नि शब्द की निष्पत्ति है, हम लोग बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं, अनेक अग्नि सूत्र भी हम लोगों ने पढ़े हैं। उस अग्नि ने व्रत्राणि, ये व्रत्र का बहुवचन है, व्रत्रों को जंघनत हनन किया, मार दिया। अग्नि ने व्रत्रों का हनन किया। ये व्रत्र क्या है? तो व्रत शब्द के अनेक अर्थ हैं। वैसे एक अर्थ हिंसा करना भी है। व्रत से वर्तमान भी होता है, वर्तमान होना है, वरण करना है, सेवा करना है, चमकना है, बोलना है। व्रत धातु के ये अनेक अर्थ, इनमें एक अर्थ हिंसा करना भी है। अब जब हम कहते हैं व्रत्राणि जंघनत, व्रत्रों का हनन किया, तो स्वाभाविक है प्रकाश का हनन तो नहीं किया जाएगा, न संभव है, न करना चाहिए। इसी प्रकार से और भी जो अच्छे अर्थ हैं, सकारात्मक अर्थ है, वर्तमान होना, वरण करना, सेवा करना, चमकना, बोलना आदि, इन अर्थों में यदि कोई व्रत्र होगा तो उसका हनन नहीं किया जाएगा, यह स्वाभाविक है। यद्यपि विशुद्ध व्याकरण से यदि कोई कहे यहां पर व्रत का अर्थ हम वरण करना लेंगे, प्रकाश करना लेंगे, और हम कहेंगे कि अग्नि ने
व्रतों का, वर्तमान का, प्रकाश का हनन कर दिया, तो व्याकरण से यह अर्थ संभव तो है। हम ये नहीं कह सकते कि उसने जो अर्थ किया वो असत्य है, परंतु वेदार्थ करने में यह बात भी महत्वपूर्ण है, यदि एक शब्द के अनेक अर्थ हैं तो इस पूरे मंत्र में जो कुछ कहा जा रहा है उसके अनुकूल उसमें से कौन सा अर्थ ग्रहण करना उचित होगा। समग्रता में उस मंत्र का एक उचित संदेश मिले हमें, जो वेद की गरिमा भावना विचार के अनुकूल हो, इसीलिए हम लोग प्रायः कहते हैं कि वेद का समग्रता में स्वाध्याय करना आवश्यक है। न्यूनतम एक सूक्त पूरा पढ़ें, एक अध्याय अनुवाद पढ़ें, तब किसी मंत्र या शब्द का, मंत्रांश का अर्थ करके कोई विचार सिद्धांत निश्चित करने का प्रयास करें। बहुधा ऐसे ही कुछ छोटे छोटे प्रयोग देखकर जो वेद से परिचित नहीं हैं, वे अनर्थ कर लेते हैं और कहते हैं भाई वेद में तो ऐसी बात भी हमको मिली, अब कोई इस मंत्र को ले ले, वृत्रों का हनन किया, प्रकाश का हनन किया। स्वाभाविक है जो संभव ही नहीं है, और समग्रता में यह मंत्र जो कुछ कहना चाहता है और जो संपूर्ण वेद का स्वाध्याय करने के बाद आपको अनुभव होता है कि वेद का जो मूल स्वर है, मूल संदेश है, मूल भावना है, उसके अनुकूल ही तो अर्थ करेंगे। तो जो बहुअर्थी शब्द हैं, श्लेष से अनेक अर्थ होते हैं, बहुधा अनेक अर्थ भी स्वीकार्य होते हैं, इस प्रकार एक मंत्र के अनेक अर्थ हो जाते हैं और वे सभी अर्थ उचित और स्वीकार्य भी होते हैं, परंतु यह ध्यान रखना होता है कि ऐसा कोई अर्थ भले ही शब्द सा व्याकरण के अनुसार संभव हो, परंतु उस मंत्र में उस शब्द का वह अर्थ ग्रहण नहीं करें, किसी शब्द का किसी अन्य अर्थ में हम प्रकाश, सेवा, वर्तमान आदि अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, जहां सकारात्मक रूप से कहा गया हो कि व्रत का पालन रक्षण करें, तब वहां वो सकारात्मक अर्थ लिए गए। ये भी हमें ध्यान देना है। एक बात और यहां पर ध्यान दिला दें, आपको सुना होगा कुछ लोक कथाओं में प्रचलित है जन भावना में कि इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, कोई इंद्र था जिसने वृत्रासुर को मारा, वृत्र नाम का कोई असुर था जिसे इंद्र नाम के किसी देव ने मारा, वह तो वृत्र एक था, उसे मारने वाला इंद्र था, हमने इंद्र सूक्त भी पढ़े, वहां इंद्र ने वृत्र का हनन भी किया, यह भी ठीक है, और यहां कह रहे हैं कि अग्नि ने वृत्रों का हनन किया, अनेक वृत्रों का हनन किया, एक नहीं है। अग्नि का अर्थ अग्रणी प्रगतिशील देवजन है या परम देव परमेश्वर है, तो जहां भी हिंसा है, जहां भी नकारात्मक भाव है, वो उसका हनन करेगा, करना चाहिए। यह वेद का संदेश है जो हम आपको बता रहे हैं, विभिन्न प्रसंगों में कहा है कि वेद में हिंसक की हिंसा करने का आदेश है। शब्दशः कह रहे हैं अग्नि ने वृत्रों का अर्थात हिंसकों का हनन किया, अहिंसक का हनन नहीं कर सकते। कोई सज्जन पुरुष शालीनता से, विनम्रता से, अपने बुद्धि के अनुसार तक प्रमाण से हमें कोई बात समझाना चाह रहा है, तो भले ही हम उसके विचारों से, भावों से सहमत न हो, या तो वो अपनी बात सही तरीके से नहीं कह पा रहा है या हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो यदि वो शालीनता से, अहिंसक भाव से
अपने विचार व्यक्त कर रहा है और हम उससे असहमत हैं, तो क्या उसकी हत्या कर देंगे? नहीं, वेद इसकी अनुमति नहीं देता। वैचारिक मतभेद हूं तो आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं, तर्क प्रमाणों के साथ चर्चा कर सकते हैं, हिंसा नहीं कर सकते। परंतु यदि कोई इतना हिंसक हो जाए कि समाज में बहुतों के हिंसा होने की आशंका हो, तो एक या कुछ लोगों का हनन करना, कुछ लोगों की हिंसा करना उचित तो हो सकता है, जिससे बहुत लोगों का संरक्षण किया जा सके, बहुत लोगों के हिंसा को रोका जा सके। इसलिए किसी एक व्रत का हनन करना पड़े या अनेक व्रतों अर्थात हिंसकों का हनन करना पड़े, वह पूरी तरह उचित वेद में कहा गया है, अनेक मंत्रों में, अनेक स्थानों में। द्रविणस्यु विपन्नया, द्रविणस्यु प्रवाह कामी, प्रवाह को चाहने वाला, गतिशीलता को चाहने वाला धातु ध्रुव है। ध्रुव धातु का अर्थ द्रवित होना, गति करना, इसी से द्रव बनता है। द्रव किसे कहते हैं? जो प्रवाहमान होता है, उस वस्तु को जहां रख देंगे वो रखा रहेगा। द्रव को भूमि पर गिराएंगे वो प्रवाहित तो हो जाएगा, बहने लगेगा। प्रवाह उसका स्वभाव है, जो द्रव है, ध्रुव धातु से द्रव बनता है। तो कहा है द्रविण स्युः प्रवाह काम, प्रवाह को चाहने वाला, विपन्नया, विपन्नया का अर्थ है विशेष अर्चना से, स्तुति से। भी विशेष पन पण धातु का अर्थ है स्तुति करना, प्रशंसा करना। विशेष स्तुतियों से, विशेष प्रशंसा करके इस इन व्रतों का, हिंसकों का हनन भी करना है तो कैसे करना है? तलवार से नहीं, शारीरिक मृत्यु देने की बात अभी नहीं कही जा रही है। कह रहे हैं विशेष स्तुतियों द्वारा, विपन्नया में तृतीया एक वचन है, विशेष स्तुत प्रशंसा के द्वारा, अर्थात उसके साथ सकारात्मक व्यवहार करके कि भाई आप भी अच्छे मनुष्य हैं, किन परिस्थितियों में आप हिंसा की ओर प्रवृत्त हुए हैं, उसके परिस्थितियों को, उसके दुख कष्ट को भी समझा जाए और उचित प्रयास किया जाए, तो संभव है वह व्यक्ति हिंसा से विरत होकर सन्मार्ग पर आ जाए। तो जहां यह भी कहा जा रहा है कि विशेष स्तुतियों के द्वारा उसका हनन करते हैं, द्रवणस्यु प्रवाह कामी, तो अग्नि का विशेषण हो सकता है कि प्रवाहमान, प्रवाह कामी, प्रवाह की कामना इच्छा करने वाला वह अग्नि, अग्रणी प्रगतिशील ने व्रतों का हनन किया तो विशेष स्तुतियों के द्वारा हनन किया। इसको इस प्रकार से समझें, पाप से हो घृणा, पापी से नहीं, फले फूले भावना, यह शब्द, यह वेद मंत्र हमको यह भी समझाने का प्रयास कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि किसी में हमने कुछ हिंसा का भाव, उग्रता देखी, पता नहीं किन परिस्थितियों में वो थोड़ा उग्र हो गया है, हम आप भी कभी कभी हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उस अवसर के ताक में थे, देखिए वो उसका स्वभाव उस समय हिंसक था इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी, उसे मार दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। विशेष परिस्थितियों में हो सकता है उसके साथ भी कुछ ऐसा हो कि वह अपने में नियंत्रण ना कर पा रहा हो, क्रोधित हो, हिंसा की ओर प्रवृत्त हो, तो यदि स्नेह से, सम्मान से उससे बात करें तो हो सकता है कि वह हिंसा को त्याग कर उचित मार्ग पर आ जाए, यह प्रयास करना चाहिए। इस मंत्र में कहा गया कि विपन्नया विशेष स्तुतियों के द्वारा उसकी हिंसा भावना का हनन करें, उस व्यक्ति का नहीं। ये भाव यहाँ हम ग्रहण कर सकते हैं, ये ठीक है, अनेक मंत्रों में ये बात कही गई है कि जब अपरिहार्य हो जाए हिंसा को रोकने का, ऐसा कोई उपाय सफल ना हो पाए, तब हिंसा कर सकते हैं, हनन कर सकते हैं, मार कर सकते हैं, उसे मारना पड़ सकता है, हिंसा करना पड़ सकता है, ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, परंतु पहले हम अहिंसक तरीके से ही हिंसा को रोकने का
प्रयास करेंगे। ये संकेत तो इस मंत्र में भी है, समिद्धा शुक्र आहुता। समिद्धा समुपसर्ग सम्यक विद्धा प्रकाशमान। इध इंध धातु है, इसी से ईंधन शब्द बनता है जो भी प्रचलित है। ईंधन जिससे ऊर्जा प्रकाश अग्नि उत्पन्न हो वो ईंधन। सरलता से अग्नि प्रकाश को उत्पन्न करने में जिसका उपयोग किया जाए उस पदार्थ को ईंधन कहते हैं। समिद्धा सम्यक प्रदीप्त सम्यक प्रकाशमान। शुक्र शुक्र का अर्थ पवित्र, सुख धातु का एक अर्थ जाना गति करना भी है, तो उसे गतिशील प्रगतिशील भी कह सकते हैं। शुद्ध धातु का अर्थ शुद्ध करना शुद्ध होना पवित्र होना है, तो शुक्र का अर्थ शुचिता पवित्रता से सामान्यता ग्रहण किया जाता है। तो सम्यक प्रकाशमान पवित्र आहुता सम्यक समंतरा समंतात रूप से बुलाया गया या दिया गया। धातु का अर्थ तो दान करना आदान प्रदान करना है, तो आहुता उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या हो गया? सम्यक रूपेण दिया हुआ दान किया हुआ। यदि हम इन सद्गुणों को दान करते हैं तो वो अग्नि अग्रणी प्रगतिशील भाव विचार प्राप्त होता है, जिससे हम विपन्न या विशेष स्तुतियों द्वारा सद्भावना द्वारा हिंसा की भावना का हनन कर सकते हैं। ये छोटा सा गायत्री मंत्र है, छंद गायत्री है। अग्नि वृत्ताण जंघनत एक चरण, द्रवणस्यु विपन्नया द्वितीय चरण, समिद्धा शुक्र आहुता तृतीय चरण, आठ आठ वर्णों के तीन चरण। यह गायत्री मंत्र, यह गायत्री छंद हम लोगों ने आज पढ़ा। अब हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। समय है, आप लोग अपने विचार प्रश्न रख सकते हैं। ओम खम स्वामी जी, जैसे गौतम बुद्ध जी ने अंगुलीमार को धर्म पे वापस लौटा दिया था, वैसे ही हमको भी सबको धर्म मार्ग पे वापस लौटाना चाहिए। ये सही है ना स्वामी जी? जी यही कहा गया है। ये बात हमने भी पहले ऐसे मंत्रों में चर्चा की है, ये मंत्र भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, पुनः आया है, अच्छी बात है। अग्नि सूक्त में ये मंत्र हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये बात भी कही थी। और ऐसे इतिहास में बहुत से उदाहरण है जो परिस्थितियों पर से दूसरे मार्ग में चले गए लोगों को वापस लाया गया, और वो अच्छे समाज के लिए बहुत उत्तम व्यक्तित्व बने बाद में, तो अच्छी बात है। ओम। और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो रख सकते हैं। गुरु जी, द्रविणस्यु को एक बार स्पष्ट करेंगे। हमने बताया ध्रुव गतो धातु है, गत्यर्थक धातु है। ध्रुव ध्रुव का अर्थ है गति करना, चलना, प्रवाह होना, बहना। सामान्यता जो हम लोग कह देते हैं गत्यर्थक धातु है, तो मान लीजिए उसमें कहीं ना कहीं गति तो है, और गति के अनेक प्रकार होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर घूम रही है, ये भी गति है। कोई सीधी रेखा में जा रहा है, ये भी गति है। कहीं कंपन हो रहा है, ये भी गति है। तो गति के अनेक रूप प्रकार हो सकते हैं, तो सामान्यता कह देते हैं व्याकरण में कि गत्यर्थक धातु है, और विशेष धातु में गति के कुछ विशेष रूप भी निहित होते हैं कि ये धातु इस प्रकार की गति के लिए प्रयुक्त होती है। तो ये ध्रुव गत्यर्थक धातु है, इसका अर्थ होना बहना इस अर्थ में विशेष रूप से आता है, गति तो है ही। तो द्रविणस्यु में
ये प्रवाह की इच्छा करने का भाव निहित है, संभवतः यही आप जानना चाह रहे होंगे कि ये जो हमने प्रवाह कामी कहा है, प्रवाह की इच्छा करने वाला कहा है, ये कैसे आ गया? इसको ऐसा ही समझे, पी धातु का अर्थ है पीना, पिपासा पीने की इच्छा, पिपासु पीने की इच्छा करने वाला, पिपासति पीने की इच्छा करता है। तो जैसे कहा पिपासा, इसी को थोड़ा सा भ्रंश होकर के हम लोग बोल रहे हैं प्यास, हमको प्यास है, इसी को संस्कृत में आप कहेंगे पिपासा है, ज्ञान की विद्या की पिपासा कहा जाता है, जल की पिपासा होती ही है। तो ऐसे ही ये संस्कृत व्याकरण में थोड़ा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसे बहुत से प्रयोग मिलेंगे, इसी को संस्कृत भाषा व्याकरण की एक शक्ति भी कहा जाता है। और सीखने के दृष्टि से प्रारंभ में विद्यार्थियों को थोड़ा जटिल कठिन भी लगता है कि एक छोटे से शब्द में कैसे कैसे प्रत्यय और रूप बनते हुए कितने बड़े बड़े अर्थ समाहित हो जाते हैं। एक छोटा सा शब्द बोलेगा पिपासति, इसका अर्थ हुआ पूरा वाक्य बन गया, वह पीने की इच्छा करता है। इस वाक्य को एक शब्द में कह दिया पिपासति, हो गया। तो इस प्रकार के प्रयोग हैं, धीरे धीरे अभ्यास से जानते जाएंगे और यदि समय मिलेगा और व्याकरण का गंभीरता से अध्ययन करेंगे तो और समझ पाएंगे। मुझे लगा संभवतः आप इस ओर देखना चाहते होंगे, कोई और बात हो तो बताएं। स्वामी जी, ये सम्राट अशोक जो था उसने लगभग पूरा भारत जीत लिया था, लेकिन अंत में उसको हिंसा से जो है वैराग्य हो गया, कि मतलब हिंसा में दुखी दुख है ऐसा समझ करके उन्होंने छोड़ दिया। तो ये भी एक अच्छा उदाहरण है ना स्वामी जी, कि हिंसा में दुखी दुख है। निश्चित रूप से है, और इसको हमें रखना होगा, इसे उदाहरण अगर हम देखने लगेंगे तो रात बीत जाएगी। इतिहास में ऐसे जाने कितने उदाहरण हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि उन उदाहरणों की एक एक कर चर्चा करेंगे तो बहुत हो जाएगा। भाव हमने समझ लिया, ऐसा बहुत बार हुआ है, आगे भी होता रहेगा, हमें भी यही प्रयास करना चाहिए। ओ धन्यवाद स्वामी जी। गुरु जी, द्रविण अश्रु अग्नि के लिए ही आया है ना जी? ये अग्नि का ही विशेषण है। वेद मंत्रों में सामान्यता ये कहा जाता है, इसे मुख्य कर्ता जो है वो अग्नि हुआ और ये उसके विशेषण हुए। कर्ता कारक एक वचन में जो शब्द होंगे वे अग्नि के विशेषण हो जाएंगे। ये एक प्रक्रिया है सरलता से समझने की, इसी से अन्वय और अर्थ किया जाता है। जी गुरु जी। स्वामी जी नमस्ते। अपन लोगों ने हिंदू होने ना होने पर काफी चर्चाएं भी की हैं। अभी फिर जब देख रहा था तो राम भद्राचार्य जी का इंटरव्यू चल रहा था काफी लंबा, TV9 के चैनल के ऊपर। उसमें वो कह रहे थे कि हमारे यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में शब्द आया हुआ है जिसे वो हिंदवा संदवा जोड़ करके बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ है क्या शुक्ल यजुर्वेद के अंदर? कहीं नहीं है, ये वेद विरोधी बाबा लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब वो तो बेचारा नेत्रहीन है, वो क्या जाने, लोग उस कठपुतली की तरह उसका उपयोग कर रहे हैं, जो उसको कह देते हैं वो बेचारा बोल देता है। बेचारा क्या कर सकता है, वो तो यजुर्वेद खोलकर देख नहीं सकता, ना उन्होंने या उनके साथियों ने कभी वेद को देखा छुआ है, ये तो पूर्णतः स्पष्ट है। तो ये बोल रहे हिंदवा सिंधवा, तो ये क्या शब्द हैं जिनके ऊपर लोग अपने अपने इस तरह के मत देते? ऐसा वेद में कहीं कुछ है ही नहीं। वो एक मंत्र, उसकी मंत्र संख्या बता तो दें, देखा जाए वो कहाँ है। लोग बहुत प्रयास कर चुके, कहीं कुछ नहीं मिला। इस पर हम लोग कम से कम अपनी ऊर्जा और समय नष्ट ना करें,
ये मान लें ये वेद विरोधियों का अपना एक दुष्प्रचार है। जी हाँ, वे साधन संपन्न है, उनकी शासन सत्ता है, उनके पास धन बल जन बल है, पूरा मीडिया उनके साथ है, वो जो चाहे कह सकते हैं। हमारा अपना कोई टीवी चैनल, कोई अखबार, कहीं कुछ है नहीं, हमारे पास इतना संगठन नहीं कि हम भीड़ जुटा करके उनको चुनौती दे सकें। तो इसलिए ठीक है, उनको जो कहना है, उनके पास अवसर है, वो कह रहे हैं, हमें वो अवसर नहीं मिल रहा है कि हमको आमने सामने जाकर उत्तर दे सकें, यही कह सकते हैं बस। ओम। नहीं स्वामी जी, मेरा उसमें आशय ये नहीं, हमें किसी को चुनौती नहीं देना है, हमें सिर्फ अपने ज्ञान के लिए और अपने बचाव के लिए रखना। अगर है तो हम उस श्लोक को जाने और मंत्र को जाने कि मंत्र वास्तव में कह क्या रहा है, जिसको ये लोग इस तरह से अपनी व्याख्या दे रहे हैं अपने मत के अनुसार और अपनी दिशा में मोड़ते हुए व्याख्या कर रहे हैं कि सिंधु है तो सिंधु के लिए, सागर के लिए, नदियों के लिए शब्द इस्तेमाल होता बहुवचन में, तो फिर ये उसको सिंधु लेके जा रहे हैं, सागर में लेके वहां तक तो ठीक, लेके हिंदवा को उन्होंने हिंदू में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, तो ये तो बात एकदम गड़बड़ है। इसलिए मुझे चिंता हुई दोबारा कि मैंने आपसे चर्चा करूंगा इस बारे में। मैंने कहा ना, वेद में हिंदवा जैसा कोई शब्द है नहीं, चारों वेद में कहीं नहीं है। वेद ही क्या एक पोस्ट गुरुकुल कांगड़ी से आई है, बहुत परिश्रम करके किसी विद्वान ने तैयार किया है, कि वेद तो क्या ऐसे सहस्रों जो जितना भी वैदिक काल साहित्य है, कहीं भी ऐसा कोई शब्द नहीं आया है। और ये कह सकते हैं हमारे धर्मद्रोही वेद विरोधी लोग व्यर्थ में इसका प्रचार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, तो वे जाने, क्या कहा जा सकता है। इसी बहाने यदि वो वेद का नाम लेते हैं, हम कह सकते हैं चलो यही ठीक है, यदि वो वेद में ये बता दें कि कौन सा मंत्र कहाँ पर है, तो हम लोग उस पर बात कर सकते हैं, अन्यथा तो व्यर्थ है, वो जो कर रहे हैं करने दीजिए, हमें जो करना है हम करें। हाँ, क्योंकि उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद करके नाम बोला, तो फिर मैं चक्कर में पड़ गया, शुक्ल यजुर्वेद इसमें कौन सी शाखा है। अभी तक ये लोग ऋग्वेद ऋग्वेद बता रहे थे, अब वो एक तरह से कह सकते हैं जब बुरी तरह पोल खुल गई, कहीं नहीं मिला, तो उन्होंने एक नया स्वरूप छोड़ दिया यजुर्वेद। अब यजुर्वेद देखो, यजुर्वेद पर तो आपने देखा है हमने कितना कार्य किया, यजुर्वेद में होता तो हमसे छूटता तो नहीं, कम से कम इतना तो आप भी मान सकते हैं, यजुर्वेद का इतना मंथन किया है हमने, यजुर्वेद में होता तो हमसे बचना इतना सरल तो नहीं है। और यदि मिल जाए तो हम क्या है, कह रहे हैं वेद में मिल जाए तो हम स्वीकार कर लेंगे, हमें क्या समस्या है। हाँ, वही मेरा भी आशा था स्वामी जी, कम से कम पता तो चले कि पहले ये तो पता चले कि मंत्र क्या है, मंत्र का ही पता नहीं चल रहा है, कौन सा कांड है, कौन सा अध्याय है, कौन सा उसका है, उसका कोई संदर्भ तो आए पकड़ में, ये नहीं कुछ बताते, खाली शुक्ल यजुर्वेद करके छोड़ दिया उन्होंने। मैंने कहा ना, ये पाखंडी कभी नहीं बताएंगे, ये राम भद्राचार्य ये भी कहता घूम रहा है कि ऋग्वेद में राम कथा है। अब ऋग्वेद में राम कथा कैसे हो जाएगी, वेद कितना प्राचीन है और राम उसके कितने समय पश्चात हुए, तो राम कथा वेद में कैसे संभव है। तो ये मूर्ख लोग ऐसे ही बस भ्रम फैला रहे हैं और इनकी बातों में कहीं कोई सार नहीं है, ना ऋग्वेद में अब तक वो कहीं कोई राम कथा जैसी चीज दिखा पाए, ना यजुर्वेद में ऐसा कुछ दिखा पाएंगे, वो कभी संभव नहीं हुआ। ये मानकर चलें, ये लोग केवल ये भ्रम फैलाते हैं कि हम आप अनावश्यक इसके भ्रम में पड़े, देखिए हम लोग अपना समय ऊर्जा इसमें नष्ट करें, तो कोई इनके बारे में तो ये योग्य भी नहीं है कि इनकी चर्चा भी की जाए। तो ये कह सकते हैं ये समाज द्रोही दुष्ट लोग हैं जो समाज में वेद विरोधी प्रचार कर रहे हैं, इतना ही कहा जा सकता है। अपने सामर्थ्य पर हम लोगों को वेद से जोड़ने का प्रचार करें, यही इसका उपचार है, और कुछ नहीं हो सकता। उनके पास साधन है इसलिए वो उनकी बात सुनी जाती है, हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, तो हम आपस में चर्चा कर लें, व्यापक स्तर पर हमारी बात नहीं सुनी जाती। धन्यवाद गुरु जी। इस पर मतलब जो उनका इंटरव्यू था उस पर मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया तो था कि यहाँ पर कोई ऐसा करके कुछ बताया था, तो उनका आर्य समाज वालों ने, मैंने उनका वीडियो देखा, आर्य समाज ने मतलब इंस्टाग्राम पे डाल रखा था,
उसमें उन्होंने पूरी दे रखी है कि इसमें ऐसा वर्ड ही नहीं है, उन्होंने पूरा मतलब जो शाखा दी है, मतलब मेरे को ठीक से याद नहीं है वो कुछ कैसे नाम था उसका, तो शुक्ल यजुर्वेद में भी उन्होंने बताया था वहां पर है, तो उन्होंने वो निकाला वो, और वो निकालने के बाद उससे रिलेटेड था वो भी निकाला, तो उन्होंने बताया कि इसमें कहीं भी ऐसा शब्द नहीं है, तो उत्तर उन्होंने दे दिया। जी यही कर पाते हैं हम लोग, उनके पास साधन है, वो नेशनल मीडिया पर टीवी चैनल पर बोल रहे हैं, करोड़ों लोग उनको सुन रहे हैं, हमने क्या किया, बड़ा परिश्रम करके सिद्ध कर दिया कि वो नहीं है, और आपस में हम लोगों ने चर्चा कर ली, हम इतना ही कर पाते हैं, वो सामर्थ्य हम पे नहीं है कि हम उससे बड़े टीवी चैनल पर बैठकर उनको चुनौती दें। अब उसके लिए तो भाई अब सार्वदेशिक और समाज ये कुछ बड़े स्तर पर प्रयास करे, बड़े स्तर पर ये बात लाई जाए, सरकार के जानकारी में लाई जाए, न्यायालय में बात की जाए, जहां वो उत्तर देने के लिए बाध्य हो, ऐसे तो हमारी सुनेंगे नहीं, न्यायालय में कोई सक्षम व्यक्ति जाए, हम आप जाएंगे तो न्यायालय पहुंचने से पहले हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है, हम उनके सामने तो नहीं ठहर पाएंगे, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो हाँ बेटा बात आ गई, तो मैं अवश्य कहूंगा कि सावधानी बरतें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, इनसे टकराए नहीं, अन्यथा ये हमारे जीवन की हानि हो सकती है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि बिल्कुल इस विषय में सावधानी रखें, उनके साथ कहीं कोई कटु विवाद संवाद न करें, क्योंकि वो स्वयं जानते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो आधारहीन है, पूरी तरह असत्य है। यदि हम उनको चुनौती देंगे तो उनके पास एक ही विकल्प है कि वो हमें समाप्त कर दें, ये उनके लिए बहुत सरल है, शासन सत्ता उनके पास है, धन बल जल बल इतना उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, वे हमें मसल सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, हमारी हत्या कर सकते हैं, ये उनके लिए सरल है, हमारी बातों का उत्तर देना उनके लिए संभव नहीं है। तो इस विषय में सावधानी बरतें, अपना जीवन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है उसका ध्यान रखें, कभी भी उनसे विवाद न करें, केवल अपना भ्रम दूर कर लें, हम यही कहेंगे। ओम ठीक उत्तम स्वामी जी। हाँ भाई किसी को और कुछ कहना है, कोई प्रश्न कोई विचार हो तो रख सकते हैं, अंधा समय हो गया है, पुलकित जी समापन करेंगे। नमस्ते सहदेव जी, जब भी इस तरह की कोई भी बात आती है या की जाती है लोगों से, तो प्रति उत्तर में जवाब तो नहीं आता, सिर्फ गालियां आती है वहां से उत्तर में। यही तो हमने कहा, उनके पास और कुछ है ही नहीं देने को, वो जानते हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो पूरी तरह निराधार है, आधारहीन है, असत्य है, तो उत्तर तो वो दे ही नहीं सकते, उन्हें पहले से पता है उत्तर देना संभव नहीं है, तो वो केवल गाली और धमकी ही दे सकते हैं, वो लगातार हम लोगों को दे रहे हैं, ईश्वर की कृपा है कि मैं ही अब तक जीवित हूं, अन्यथा ये लोग तो अब तक कब का हमें इस संसार से विदा कर चुके होते, तो ये कह सकते हैं ईश्वर की बड़ी कृपा है कि परिस्थितियों में भी हम अभी तक जीवित आए, तो हमारी तो कोई बात नहीं, मैं कहता हूं कि भाई ईश्वर की कृपा से इतनी आयु मुझे मिली, इतना कुछ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो अब यदि हम चले भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों से अवश्य कहेंगे भाई कि अभी आपको बलिदान नहीं देना है, कार्य करना है, बलिदान की भावना मन में न लाए, किसी तरह से अपनी सुरक्षा करते हुए लक्ष्य को पूरा करें, वेद को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए, भारत को वैदिक राष्ट्र आर्यावर्त बनाने के लिए आपको जीवित रहना है, जीवित रहकर कार्य करेंगे तभी सफल होंगे, बलिदान देने से कोई लाभ नहीं है। कुछ लोग बाद में कहेंगे कि हाँ भाई उन्होंने अपना बलिदान दे दिया बस, तो हम बिल्कुल कह रहे हैं इसे कोई कुछ भी कहे, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है कि आप जाकर उनसे लड़े भिड़े और बलिदान दे दें, तो आप सुरक्षा करते हुए जैसे भी हो अपने जीवन को बचाएं, अपने कार्य को बचाएं, धीरे धीरे प्रयास करें, संगठन बड़ा करें, और एक दिन भारत में
आपके शासन सत्ता हो, वेद को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करें और भारत को आर्यावर्त वैदिक राष्ट्र घोषित करें। हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं, ये हमारी आपके लिए शुभकामना की है। ओम। जी मैं समापन करता हूँ। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते, प्रणाम। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम ब्रह्म। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म।